हेलो स्टूडेंट्स कैसे बढ़िया फर्स्ट क्लास जी सर आज हम लोग स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में एस में एस को स्टार्ट करेंगे उसकी कैसे स्टडी देखेंगे सर एस में एस देखेंगे टॉपिक का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एस सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अगर उसको शॉर्ट में देखा जाए तो वो भी एस ये क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरा हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम लोग पहले हम लोग केस स्टडी समझ लेते हैं वंस वी विल रीड द केस स्टडी एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट प्रॉब्लम विद इन द केस स्टडी क्लियर वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उस केस स्टडी में दिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू ऑब्जर्व दो प्रॉब्लम्स उससे क्या होगा हम लोग को ये समझने में इजीनेस रहेगी कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करना है अच्छा जरा केस देखते हैं क्या कहता है कहता है सन इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चर एंड सेल्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक मोबाइल फोन लैपटॉप टेलीविजन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा दिल्स थ्रू द थर्टी स्टोर सिचुएटेड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अब है क्या एक तो सन इंजीनियरिंग है ना सन इलेक्ट्रॉनिक्स है सन इलेक्ट्रॉनिक सन इंजीनियरिंग का एक केस लॉ है इनकम टैक्स में वो याद आ गया तो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल करता है और इसके पास तीस स्टोर्स हैं सेम कंट्री में है थर्टी स्टोर्स हैं जहां से ये सप्लाई करता है जहां से ये सेल करता है अच्छा जी आगे द स्टोर मैनेजर प्लेस अ रिक्वेस्ट टू द सेंट्रलाइज टीम सिचुएटेड इन मुंबई ऑन अ मंथली बेसिस ओनली वन रिक्विजिशन पर मंथ शुरुआत में ही प्रॉब्लम समझ में आ गई अच्छा ये जो स्टोर मैनेजर होगा ना ये रिक्विजिशन भेजता है यहां पर और इसके साथ प्रॉब्लम ये है वन रिक्विजिशन इन अ मंथ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि भैया एक महीने में आप एक ही रिक्विजिशन डाल सकते हो आपको जितना सामान चाहिए अच्छा द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोर्स आर फॉरवर्डेड टू द प्रोडक्शन प्लानिंग टीम विच इज रीजनेबल फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स

ये मुंबई में है अच्छा जी प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को भेजा जाता है इसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग टीम इसको मैन्युफैक्चर करवाएगी क्या करवाएगी भाई जितना भी ऑर्डर आया है स्टोर से हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए वो सारा का सारा प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को भेज दिया जाता है और फिर प्रोडक्शन प्लानिंग टीम उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास भेजती है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टीम उसको प्रोड्यूस करेगी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगी और उसको फिर डिलीवर करेगी मुंबई में ओके यहां से सामान डिलीवर किया जाता है भाई कई सामान है इलेक्ट्रॉनिक के और उसके बाद जब ये सामान डिलीवर होते हैं तो फिर उनको यहां से क्या किया जाता है सप्लाई की जाती है और यह सारा प्रोसेस करने में यानी अगर मैं कहूं रिक्विजिशन फ्रॉम स्टोर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इसमें तीस से चालीस दिन का समय ऑन एन एवरेज लग जाता है सोचो कोई ऑर्डर दे रहा है आज और हमारा ही कंपनी का स्टोर है उसको हम तीस से चालीस दिन लगा दे रहे हैं वहां तक सामान पहुंचाना मतलब यहां तो केवल प्रॉब्लम की एक हद हो गई पहली बात तो ये कि ये एक महीना में एक ही स्टोर एक स्टोर मैनेजर एक महीने में केवल एक ही रिक्विजीशन डाल सकता है ये तो पहली प्रॉब्लम थी अब वो मुंबई में रिक्विजीशन लेटर जाएगा मुंबई वाला क्या करेगा सारे रिक्वेजिशन लेटर्स को इकट्ठा करेगा और उसको प्रोडक्शन टीम प्लानिंग टीम के पास भेज देगा और प्रोडक्शन प्लानिंग टीम उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चर करवाएगी और उसके ऑर्डर को फुलफिल करेगी स्टोर तक सामान का रिक्वायरमेंट पूरा होगा और इट टेक्स ऑन एन एवरेज थर्टी टू फोर्टी डेज सोचो इतना टाइम लग रहा है तो प्रॉब्लम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है यहां तो अच्छा आगे भी अभी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है भाई कहता है इन द प्रोसेस कंपनी प्रोक्योर्स पार्ट फ्रॉम मोर देन हंड्रेड वेंडर्स ओके मैंने कहा ना ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ये हंड्रेड प्लस वेंडर्स से सामान खरीदता है ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जब काम करेगा तो सामान रॉ मटेरियल चाहिए ऐसा तो है नहीं चिप भी बनाएगा बॉडी पार्ट्स बॉडी भी बनाएगा उसके पार्ट्स भी बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करेगा अरे भैया ये मैन्युफैक्चरिंग असेंबल्ड का काम कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ठीक है ना जहां मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो द कंपनी हैज प्लेस्ड क्वालिटी रिलेटेड द कंपनी हैज फेस्ड क्वालिटी रिलेटेड इशूज विदिमेंट वेंडर्स लीडिंग टू डिले इन प्रोडक्शन लो भाई एक समस्या और आ हाँ गई वो समस्या क्या है यहां पर हमारी समस्या ये है कि क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं यह भी एक प्रॉब्लम है द एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री इन सन इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी हाई एट 45 डेज एट अगेंस्ट एन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 15 डेज ओके okay. समझेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फोर्टी फाइव डेज हैं जबकि इंडस्ट्री का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फिफ्टीन डेज है कमाल की बात है मैंने क्या बोला किसकी बात है कमाल की बात है समस्या पे समस्या ये कोई समस्या इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हम कितने पॉइंट्स नोट करें भाई अगर मैं देखूं तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड आई एम सीइंग और ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम्स ओवर हेयर विद दिस कंपनी नॉट ओवर हेयर विद दिस कंपनी सन मैन्युफैक्चर अच्छा सीन्स द ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम एट स्टोर्स इज वेरी हाई कंपनी हैज ट्रेडिशनलीव हाई इन्वेंट्री होल्डिंग टू रिड्यूस द स्टॉक आउट एट स्टॉक लेवल द कंपनी इज अंडर सीवियर प्रेशर टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग कैपिटल साइकिल अब एक बात बताओ जब आप पैंतालीस दिन का स्टॉक रखोगे तो आपको तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए ही चाहिए समझ में आ रही है बात पैंतालीस दिन का स्टॉक रख रहे हो वाइल द अदर वन कंपनीज हुआ कंपिटिटर्स दे आर होल्डिंग द इन्वेंट्री ओनली फॉर फिफ्टीन डेज एंड आर जस्ट होल्डिंग ऑर कीपिंग द स्टॉक फोर्टी फाइव डेज ऑन एन एवरेज दर इज अफ थर्टी डेज और सोचो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप बना रहे हो जब आप इंडस्ट्री से ज्यादा होल्डिंग पीरियड रखोगे इंटरेस्ट कॉस्ट और यू कैन सेरिंग कॉस्ट उस स्टॉक को कैरी करने की कॉस्ट होती है ये तो मालूम है ना अच्छा वेस्टेज होने की चांसेस रहती है जब स्टॉक आप रखे रहते हैं तो वो वेस्टेज आउटडेटेड स्पॉयल इट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आउटडेटेड होना ऑब्सोलेंसेज में जाना तो ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे अगर आप स्टॉक एक्स्ट्रा रखेंगे और साथ ही साथ स्टॉक एक्स्ट्रा रखने पर वर्किंग कैपिटल की भी तो जरूरत होगी आपका फंड भी तो ब्लॉक हो रहा है और यहां पर लिखा भी है द कंपनी इज अंडर सीवियर प्रेशर टू इंप्रूव इट्स वर्किंग कैपिटल साइकिल नहीं भी लिखा होता देन वी कैन कॉन्क्लूड दैट कि कंपनी को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम जा रहा होगा कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही होगी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा चल लग रही होगी गार्ड Guard करने गार्डिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही होगी वेयर uh, हाउसिंग का रेंट वगैरह ज्यादा लग रहा होगा अगर हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम कर ले वी कैन सेव मोस्ट ऑफ द फंड हमारे तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा चलिए देखेंगे उस सिचुएशन को हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड इट स्टोर्स ऑल्सो मीन दैट द प्रोडक्ट बिकम ऑल्सो डेट क्विकली स्टोर पर भी यही प्रॉब्लम है केवल वहां नहीं प्रॉब्लम है यहां पर भी इनको यह मालूम है कि वन रिक्विजिशन इन अ मंथ हम दे सकते हैं इट मीन्स दे होल्ड सफिशियंट स्टॉक और जब वो सफिशियंट स्टॉक रखेंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी अगेन दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम नॉट एट द कंपनी लेवल बट एट द स्टोर्स लेवल ऑल्सो यहां पर भी वही प्रॉब्लम है हाई अमाउंट अच्छा ऑप्सोलेट uh, होने का चांस है देखो यहां पर एक और सिचुएशन uh, बता रहा है कि इन्वेंट्री कॉस्ट एंड आउटडेटेड कॉस्ट ये सिचुएशन आ रही है जो मोबाइल फोन वगैरह हैं वो आउटडेटेड हो रहे हैं ऑप्सोलेट क्विकली इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक मोबाइल फोन न्यू एंड अपडेटेड आर अवेलेबल इन द द मार्केट एज मंथ फ्रॉम डेट ऑफ द इनिशियल लॉन्च ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल आप भी जानते हैं कि हमेशा हर कुछ महीनों में एक मॉडल चेंज होता रहता है मोबाइल फोन्स वगैरह गजेट्स वगैरह का उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं पुराना आउटडेटेड होता रहता है अब जो पुराना आउटडेटेड होता रहेगा बट ऑब्वियस कंपनी अगर 45 दिन का स्टॉक रख रही है और वहां पर 30 डेज का स्टॉक रख रही है तो अगर हमने 45 फाइव प्लस थर्टी इट मीन एन एवसटी टू सेवेंटी डेज का एक रोटेशन पीरियड है तो वहां पर क्या होता है इन्वेंट्रीज अगर आउटडेटेड हो जाएंगी तो कंपनी को डिस्काउंट रेट पर सेल निकालनी पड़ेंगी फिफ्टी परसेंट सेल फोर्टी परसेंट सेल सिक्सटी परसेंट सेल द मैनेजमेंट एट सन इलेक्ट्रॉनिक हैज आइडेंटिफाइड ई कॉमर्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फास्टर ग्रोथ बोथ इन टर्म्स ऑफ द वेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी द कंपनी इज कंसिडरिंग लॉन्च ऑफ इट्स ई ओन ई कॉमर्स वेबसाइट टू सेल ऑल द प्रोडक्ट विच आर करेंटली बींग सोल्ड इन द फिजिकल स्टोर्स कंपनी को एक नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है कंपनी चाह रही है कि भाई अब हम चाहते हैं ना फिजिकल स्टोर कुछ कम करें जिस तरह मार्केट में ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गई हैं ई कॉमर्स पोर्टल आ गए हैं एक फ्लिपकार्ट का हो गया अमेजोन का हो गया दया सो मरे डिफरेंट पार्टीज और कंपटिटर्स आदया अली बाबा का हो गया तो इस तरह से उनको मात देनी है हमको उनके एक साथ खड़ा होना है हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो यहां पर कंपनी ने कहा हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट और प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे वहां से हम सप्लाई करेंगे ये एक अच्छी चीज उन लोगों ने सोची द कंपनी माइट चूज टू ऑप्टिमाइज एंड क्लोज सर्टन फिजिकल स्टोर्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वही चीज है अगर ये ब, ब, चल, चल गया सिस्टम आपका तो कंपनी क्या करेगी यहां से जो आ, स्टोर्स चल रहे हैं उनको कम करने की सोचेगी अच्छा द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कन्विडेंट ऑफ द फैक्ट दैट एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग इन वेंट्री डॉक्यूमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम विल नॉट फिट इन द न्यू ई कॉमर्स बिजनेस अरे आप ना भी बोलो ना तो मैं आपको कहूँगा आपको अपने अंदर बहुत जो बेसिक चेंजेस करने होते हैं यू आर रीडी टू चेंज यूअर बेसिक थिंग्स आपकी कंपनी में वो दम नहीं है कूबत नहीं है कि आप ई कॉमर्स सिस्टम पर चले जाओ अच्छा ऑन एन इन्वेंट्री लाइट मॉडल एंड क्विक एज वेल एज डिलीवरी टू द कस्टमर क्योंकि वहां पर लोगों को क्या चाहिए मॉडल देखना चाहिए पसंद आएगा तुरंत बाय करेंगे और कंपनी को तुरंत डिलीवरी भी देनी पड़ेगी द फैक्ट दैट कस्टमर कुड बी फॉर्म कुड बी फॉर्म फ्रॉम अ लोकेशन फ्रॉम है कुड बी फ्रॉम अ लोकेशन अदर देन दोज वेयर सन इलेक्ट्रॉनिक हैज फिजिकल प्रेजेंस मेक्स द मैटर कॉम्प्लेक्स ठीक है अब यहाँ पर हमको सिचुएशन समझ में आ रही है कि कंपनी uh, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है अगर उसको ई कॉमर्स सिस्टम लॉन्च करना है तो द कंपनी इज कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम आ गया ना एस सी एम को लाना चाहते हैं वेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑफ यूज ऑफ दिस कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन एंड द द दबिलिटी ऑफ इन द करेंट केस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दो चीज़ें हम नहीं हमको दो दो चीज़ें पूछी गई हैं The concept of supply chain management. First of all, you are needed to explain what is the supply chain management, and what are the benefits a organization can have, uh, can get by having such type of supply chain management. And on the other hand, you are needed to observe the problem over here in this case as well as the solution by using the supply chain management. You are needed to write up all these things. So, now what we do? आपको अपनी भाषा में ये सारी कहानी बतानी है पढ़ तो सकते ही हैं नीचे लेकिन पढ़ने से अच्छा है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एलोबरेट वॉट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने आपको चलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहता है ना सप्लाई चेन एक पूरी सप्लाई चेन जहां से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है वहां से लेकर जहां पर फिनिश गुड स्टोर किया जाता है सेल करने के लिए वहां तक यह पूरा का पूरा सिस्टम आपस में एक चेन की तरह जुड़ा रहता है और यहां से सामान यहां तक पहुंचने तक में जितने प्रोसेसेस होते हैं ईच एंड एवरी प्रोसेस इज लिंक्ड नॉट डी लिंक्ड लिंक्ड और उन प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो हमें क्या करना है हम सन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हैं हम मोबाइल फोन्स बनाते हैं हम वेंडर्स से सामान बाय करते हैं तो जहां से वो रॉ मटेरियल ओरिजिनेट हो रहा है वेंडर्स से वहां से लेकर स्टोर तक फिनिश्ड गुड्स पहुंचाने तक के पूरे प्रोसेस को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कवरअप करते हैं अब समझ में आया सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब इसमें क्या होगा रॉ मटेरियल रॉ मेटीरियलिश गुड्स को, को, को स्टोर करना उस फिनिश गुड्स को डिलीवर करना और लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो भी इसमें अप होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना है एस काम कहां से कहां तक करता है सोचो हमको सबसे पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है जहां पर वो ओरिजिनल रेज हो रहा है हमारा रॉ मटेरियल जहां से हम मंगा रहे हैं तो हमारे वेंडर्स हमारे वेंडर्स के साथ क्या यहां पर कोई इशू है हाँ वेंडर्स के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज़ हैं वेंडर्स जो हमें सामान देते हैं ना उनके साथ क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ क्यों हम ऐसे वेंडर्स की लिस्ट नहीं बनाते जिनके साथ क्वालिटी इश्यूज़ नहीं होते और साथ ही साथ क्यों ना हम ऐसे वेंडर्स की लिस्ट अलग कर लें जिनके साथ क्वालिटीज़ रिलेटेड इश्यूज बहुत ही मिनिमम या बहुत ना के बराबर होते हैं नॉमिनल होते हैं और साथ ही साथ वो प्रॉम्प्ट सप्लाई करते हैं और हमारे पास सामान अवेलेबल करवाते हैं सही समय पर विदाउट डिले अगर हमें क्वालिटी रिलेटेड इशू आता है सामान का तो सामान फिर वापस जाता है फिर से सामान आता है तो यहाँ पर एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पास पहुंचने तक क्योंकि उतने समय तक मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहेगी अगर ये कभी कभार होता है देन इट इज एक्सेप्टेबल बट इफ इट 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 हैपेंस रेगुलरली देन इट इज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक एज अ कंपनी आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है एक तो वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक हो रखी है आपका टाइम लगेगा अगर समय पर आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो स्टोर आपका शुरू हो जाएगा चीखना और चिल्लाना तो आप कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे तो पहली प्रॉब्लम आपको क्या है प्लानिंग बनाना प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आप सामान को वेंडर से बाय करते हैं तो सबसे पहले अपने वेंडर्स तय करना उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करना एवें साथ ही साथ उनसे क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज और मैटर्स पर भी डिस्कस कर लेना ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई इश्यू ना आने पाए सारे टर्म्स कंडीशन क्लियर कर लेना और उसके बाद वहां से जो लॉजिस्टिक सिस्टम है हमारे यहाँ तक का सही समय पर सामान आ जाए इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा मैंने आपको जस्ट इन टाइम अप्रोच बताया है जस्ट इन टाइम अप्रोच साथ ही साथ अगर मैंने आपको याद होगा कायजन सिस्टम बताया है काइजन सिस्टम कहता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अपने मिलाइए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट गलतियां निकालिए फिर आगे करिए गलतियां निकालिए फिर आगे करिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और इंप्रूवड भी हो अपडेटेड आउटडेटेड सामान ना हो दूसरा जे आई टी जस्ट इन टाइम अप्रोच बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा यहां पर अगर लॉजिस्टिक सिस्टम को देखें तो हमारे पास सामान की बहुत ज़्यादा इस इस तरह की लॉजिस्टिक की बहुत बड़ी क्राइसिस है तो यहां पर वेंडर्स से सामान कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लेस तक पहुंचे उसके लिए जस्ट टाइम जस्ट इन टाइम को अगर आप यूज़ करेंगे तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके लिए आपकी सड़कें आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे तरह से परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए उसके लिए फिलहाल अगर वो नहीं भी है तो भी हम यहाँ पर ये एश्योर तो कर ही सकते हैं कि सामान हमारा सही समय पर आ जाए और ये जो जो लीड टाइम है ना, लीड टाइम वो लीड टाइम कम हो जाए जो लैग है फ्रॉम द सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लेस वो लैग खत्म हो जाए यहाँ बहुत कम रहे अगर आप इस पर काम करते हैं प्लानिंग सिस्टम में ही तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा यही दिखेगा और साथ ही साथ 45 डेज का स्टोर रखने की क्या जरूरत है भाई आप अपने पास सामान को 45 डेज तक यहाँ रख रहे हैं देखो ना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दूसरी प्रॉब्लम तो यहां पर है एक तो प्लानिंग वहां से बनाएंगे <coughs> दूसरा इन्वेंट्री को होल्डिंग करना क्यों भैया इन्वेंट्री को आप होल्ड क्यों किए हो इतने समय तक क्योंकि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यही सब चीजें तो देखनी है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग फेज टू टिल द स्टोर फेज जहां तक आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है दूसरा प्रॉब्लम आपके साथ आता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्यों भैया 45 डेज का आएगा जबकि आपकी कंपटीटर उसी इंडस्ट्री के कंपटीटर 15 डेज का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड रखें आप क्यों नहीं कोशिश करते पंद्रह दिन के बजाय चौदह दिन तेरह दिन बारह दिन सोलह दिन सत्रह दिन फोर्टी डेज भैया कौन सा बिजनेस और किस जमाने में रह रहे हो क्या काम कर रहे हो कंपटीशन का एज है आप फोर्टी फाइव डेज रखोगे वैसे ही आउट आउट ऑफ द तो मार्केट हो जाओगे आप कि आउट कर दिए जाओगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको अब आप कोशिश करनी चाहिए इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मिनिमाइज हो जाए जितनी कम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड लगेगी आपकी जो क्राइसिस चल रही है वर्किंग कैपिटल को लेकर के वो उतनी कम हो जाएंगी होप्स हो है देखो ना क्वेश्चन पढ़ते गए सॉल्यूशन अब अपने आप समझ में आ रहे हैं अगर हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम करने जाहिर सी बात है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम कैसे हो सकती है जस्ट इन टाइम अप्रोच को यूज़ करके अरे चलो जस्ट इन टाइम अप्रोच यूज ना करते हो तो भी मैंने कहा ना वेंडर्स के साथ आप अपनी एग्रीमेंट कर लो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लो एक तो क्वालिटी ओरिएटेडेडेडेडेड माल आना चाहिए ताकि इंस्पेक्शन uh, कॉस्ट कम से कम हो या रिलाई किया जा सके एक दूसरे पर और दूसरा जस्ट इन टाइम अप्रोच को यूज कर सकते हैं तो आप कर लीजिए क्लियर है अपनी सर्क्यूस्टांसिस के हिसाब से जस्ट इन टाइम को भी प्लस माइनस किया जा सकता है अच्छा दूसरी बात अब आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उसके बाद आप उस सामान को मुंबई में भेजते हैं वेयर हाउसिंग करते हैं एक तरह से और फिर उस वेयर हाउसिंग से फिर सामान जाता है आपका तीस स्टोर्स पर बाईफर्केट होता है अरे भैया कौन सा नौटंकी कर रहे हो कहे को इतना टिटिमा फैला रहे हो अगर सामान सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर पर चले जाए आपको क्या दिक्कत है हम ये नहीं कहते सामान आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यहां पर मुंबई अरे भाई मुंबई भेजने की क्या जरूरत है जहां उसको भेजना है वहीं से डिस्पैच कर दो लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट आपकी बचेगी भाई लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट बचेगी आपका टाइम कंजम्पशन जो होगा वो कम लगेगा आपको रिकॉर्ड्स कम मेंटेन करने पड़ेंगे कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन प्लेस से डायरेक्ट आप सामान सप्लाई कर दो स्टोर को अगर कर सकते हो तो करना पड़ेगा आपको इन्वेंट्री कॉस्ट को कम मिनिमाइज करना है लॉजिस्टिक सिस्टम को आपको बेटर करके ले आना है उसको स्ट्रॉन्ग करना है ठीक है सामान स्टोर तक पहुंच गया अब स्टोर्स वालों की बात करते हैं कि स्टोर वाले क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो उनके साथ ये रेस्ट्रिक्शन लगाना कि दे कैन हैव एन ऑर्डर ओनली वंस इन मंथ इट्स अ रॉन्ग प्रोसीजर आप ऐसा नहीं कर सकते आप ये अन्याय और अत्याचार नहीं कर सकते अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप सामने वाले को मजबूत मजबूत नहीं मजबूर कर रहे हैं कि वो होर्डिंग करे सामान को अपने पास अनड्यूली रखा रहे हो सकता है वो कहते अरे भाई ये सामान मंगवा लो कस्टमर इसका भी आता है इसका भी आता है अगर कोई कस्टमर नहीं पहुंचा या वो आउटडेटेड सामान हो गया तो उनके पास वो बर्डन बढ़ता चला जाएगा स्टॉक का वो अपने आप एक बंच तैयार हो जाएगा आउटडेटेड स्टॉक का उसको फिर ये कंपनी क्या करेगी 50 परसेंट पर निकाल लो 60 परसेंट पर निकाल लो डिस्काउंट देकर भैया ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो ये आप ही की बनाई हुई प्रॉब्लम है मतलब तो टीचर के नहीं, ये कंपनी की बनाई हुई प्रॉब्लम है आप इसका सॉल्यूशन दो आप उनको कहो आपको जो स्टॉक चाहिए वो मंगाओ हम आपका एक महीने में तीन बार सप्लाई कर सकते हैं और बोलो लेकिन जो चाहिए सही तरीके से बताओ एक्स्ट्रा स्टॉक मत होर्डिंग में लगाओ इज इट क्लियर तो ये रेस्ट्रिक्शन आपको हटाना पड़ेगा और आप बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की आप ई कॉमर्स सिस्टम को लॉन्च करना चाह रहे हैं ना उसमें तो बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए आपको आप अपना प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहे हैं बल्ले बल्ले एक कस्टमर कहां से आपको ऑर्डर दे रहा है यू डोंट नो आपने तो तीस स्टोर खोल रखे हैं अब तक तो बड़े आराम से इतमान से काम कर रहे थे अब आपके ऑल ओवर इंडिया से अगर जब ऑर्डर आएंगे कौन कस्टमर कहां से ऑर्डर प्लेस करेगा यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोज थिंग्स अगर उसने ऑर्डर कर दिया इट मीन वो डी ताइया दस दिन तक वेट करेगा कंपनी का ऑर्डर आएगा आएगा अरे भैया वो अगले एज एन ही मेक द पेमेंट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे हिल स्टार्ट टू आस्क फ्रॉम द कंपनी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द आर प्रोडक्ट चला या नहीं चला उनको वो अपडेशन चाहिए ट्रैकिंग करते हैं वो लोग और कंपिटिशन की एज है आपको ये कम करना पड़ेगा आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है आपको यहां से सामान तुरंत भेजना पड़ेगा उसके पास लेकिन जो पोजीशन, जिस सिस्टम का आपने अपने यहां से इंटरनल सिस्टम बनाकर रखा है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो इस चीज को क्या करें तुरंत सामान को आपको डिलीवर करना पड़ेगा आपको ई कॉमर्स में जाना है अपनी ईआरपी सुधारनी पड़ेगी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते होने चाहिए साथ ही साथ ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुरंत तेजी से काम करे जो सामान का ऑर्डर आ रहा है अरे भाई ई कॉमर्स में आपका आउटडेटेड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बहुत कम सिस्टम ऐसा होता है जहां पर आउटडेटेड आता है तो आपको अपनी ई सिस्टम को काफी हद तक सुधार करना पड़ेगा लेकिन जो सिचुएशन है इसमें बेसिक से काम करना पड़ेगा ना 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 ऐसा नहीं है कि आज करने लगे बोलने लगे कल से ठीक हो जाएगा नॉट एट ऑल क्योंकि इन लोगों के मैनेजमेंट सिस्टम में घुन लगा हुआ है घुन का मतलब समझ रहे समझना कीड़ा लगा है दीमक लगा हुआ है उनको आदत हो चुकी है उस काम में उस काम से निकाल करके दे देट चेंजेस एवरीबडी हेट चेंजेस तो दे ट्राई टू हेट दीज थिंग्स उनको लगेगा इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन थोपा जा रहा है वी आर नीडेड टू ट्रेन देम ट्रेन देम हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनका मोरल पावर हाई करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला वो मान लेंगे अगले दिन से आपने कहा हमको तुरंत एक्टिवनेस चाहिए आपकी और अगले दिन से वो एक्टिव हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग है वो अपोज करेंगे कहने का मतलब ये है कि केवल आपको सिस्टम ऑन पेपर नहीं ठीक करना ये तो ऑन पेपर की जितनी मैंने बातें बताई थी अब उनको एग्जीक्यूट भी करना है एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करना है और ग्राउंड लेवल पर जब आप काम करेंगे यू विल फाइंड यू विल फेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको कई जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चाहे कॉस्ट को लेकर के हो चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो तो वो चीजें यहां पर आएंगी तो फिलहाल आपको ये समझ में आया करना क्या है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या देखा जाए इश्यूज क्या थे मैंने बता दिया जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है ना प्लानिंग फेज में आता है सामान को प्रोक्योर करने के फेज में आता है उस पर प्रोडक्शन पर काम करने से रिलेटेड होता है और उसको डिलीवर करने से रिलेटेड होता है ये सारे प्रोसेस हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फ्रॉम द वेरी ओरिजिनेशन ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द फिनिश गुड्स एंड मेकिंग दैम अवेलेबल टू द स्टोर्स टिल देन यू आर नीडेड टू मेक अ चेन दैट इज नोन एज सप्लाई चेन इज इट क्लियर बेनिफिट्स क्या हैं बता दिया बहुत बढ़िया बेनिफिट्स हैं क्या हैं बेटर कंज्यूमर सर्विसेज एज कस्टमर इज सप्लाइड विद वॉट ही ऑफ शी वॉन्ट्स टू एट मिनिमम टाइम मैंने क्या बोला आज पेमेंट किया कल से दे स्टार्ट टू ट्रैक बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर गुड्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी अक्रॉस वेरियस फंक्शन एंड डिपार्टमेंट्स अब वो फिजिकली आपको काम करना पड़ेगा उनको ट्रेन करना पड़ेगा मिनिमाइज कॉस्ट बता दिया डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा रिड्यूस द इनवेंट्री होल्डिंग टाइम बता दिया इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल साइकिल वर्किंग कैपिटल साइकिल को जितना जल्दी जितना चक्कर लगाएंगे पैंतालीस दिन को चालीस करो चालीस को पैंतीस पर ले पैंतीस को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ले हो नाजन सिस्टम enhances uh, inventory management and assist in implementation of just in time approach assist companies in minimizing waste and reduce cost improve the supplier relationship मैंने कहा ना कहीं ना कहीं आपका नौबत आती है relationship में भी तो आपको अपने सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे सीधी सी बात है सारी चीजों को आपको अब लेकर चलना पड़ेगा और ई-कॉमर्स e में तो आपको अपना ईआरपी e सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा जी सर ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कुछ भी नहीं है लॉजिस्टिक सिस्टम भी बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा कहने का मतलब अब कंपनी के पास दो रास्ते हैं पहला राइट नाउ द कंपनी इज थिंकिंग टू गो विद द ई कॉमर्स बट इट इज नॉट अ सिस्टम विच कैन बी जनरेट द रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ सिंगल डे रोम एक दिन में नहीं बना ये कहावत सुनते हैं उसी तरह अगर कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट और स्विच करने की बात आती है इट कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल डे तो जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये साथ साथ वर्क करेगा और साथ साथ आपको अपना ई कॉमर्स सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे स्विचिंग होती है और स्विच स्विचिंग पीरियड में भी आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा चीजों को लेकर के जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज तो जो ये ट्रांजिशन फेज होता है ना वो बहुत बड़ी मुश्किल ले आता है जो आपका एग्जिस्टिंग होता है उसको बिल्कुल आ, संभालते हुए तोड़न, तोड़ना तोड़ना पड़ता है और उसको स्विच करना पड़ता है जो दूसरी जगह पर और दूसरी जगह वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं साथ साथ उसको भी देखना पड़ता है मतलब आपका अब सिंगल वर्क नहीं है डबल वर्क है तो यहां पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा अगर उसको बिना सुधारे स्विच करेगी तो भी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी और कंपनी अगर स्विच कर गई तो कोलैप्स तो है ही एग्जिस्टिंग सिस्टम उसका तो कंपनी को चाहिए दो चीजें पहला तो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ठीक करें लॉजिस्टिक सिस्टम बढ़िया करें इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम करे स्टोर्स वालों को ए, एक एक महीने का जो टाइम पीरियड है उसको कम करवाए ताकि आउटडेटेड कॉस्ट ना आए इट विल टेक टाइम सिक्स मंथ वन ईयर वॉट एवर इट रिक्वायर्स टाइम टू शिफ्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम टू द न्यू वन सिस्टम ई कॉमर्स सिस्टम इट विल टेक टाइम द कंपनी इज नीडेड टू रन इन एन ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज्ड वे तो कंपनी ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे काम कर सकती है जो सिस्टम चल रहा है उसको बढ़िया तरीके से बढ़िया ट्रेन करके काम करे एफिशियंसी पैदा करे पूरी कैपेसिटी के साथ काम करे कॉस्ट को कम से कम ले आए अनप्रोडक्टिव कॉस्ट को दूर करें प्रोडक्टिव कॉस्ट को बढ़ाए जहां पर सेल हो सकती है उस चीज़ को देखें इंसेंटिव और बोनसेस की प्रोसे, प्रोसेस को स्टार्ट करें ये चीजें तो अलग हैं साथ साथ कंपनी को अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा वी आर हेयर टू फोकस ओनली ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्योंकि हमको जो केस स्टडी दी है इसके बाहर जाकर के हमको काम नहीं करना है और न लिखना है वी आर नीडेड टू फोकस्ड ओनली ऑन दिस केस हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस केस तक अदरवाइज कहने के लिए इस कंपनी में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं प्रॉब्लम्स होने के लिए अदरवाइज एक चीज यहीं पर एंड होती है मैंने आपको इस क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने बता दिया जो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं वो चीजें मैंने बता दी प्रॉब्लम्स कहां पे हैं जब आप किसी क्वेश्चन को इस तरह से एक शॉर्टकट बनाकर लिखते हैं ना तो अब देखिए मैंने कहा फुलफिल द रिक्वायर थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज इसको कम करना पड़ेगा आपको स्टॉक होल्डिंग पीरियड 45 डेज रखते हैं ये जो 30 से 40 दिन होता है ऑर्डर मिलने से लेकर ऑर्डर पहुंचाने तक स्टोर का वो 30 से 40 दिन को कम करना पड़ेगा उस 30 40 दिन को आराम से आप कम कर सकते हैं अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को भी आप कम कर देते हैं अगर डिलीवरी जो होती है वो क्वालिटी ओरिएंटेड सामान आ जाए और यहाँ पर जो सामान है वो डायरेक्टली स्टोर को भेजा जाए ना कि पहले मुंबई सेंटर को भेजा जाए जहाँ पर रिक्विजिशन भेजा गया तो आप अपने इस तीस से चालीस दिनों को कम कर सकते हैं लैग टाइम जो है कम कर सकते हैं अगर लैग टाइम कम हो गया तो आपका सेल ज्यादा होगा सेल ज्यादा होगा सेल उतना भी हुआ तो वर्किंग कैपिटल कम की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना तो इस तरह से आप चीजों को सुधार कर सकते हैं सामने लिखेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम समझ में भी आएंगी कहां कहाँ एस्पेक्ट कहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो इसके अलावा जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा केवल मॉनिटरी नहीं नॉन मॉनिट्री फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप खराब होंगे जब आप थोड़े टाइट होंगे तो वहाँ कुछ आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे कर लो ना बिजनेस आगे लेना है कॉम्प्रोमाइजेस करें बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रिलेशनशिप के साथ भी मत करना ठीक है ना तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा सारी चीजें हो गई ए टू जेड ए टू जेड एवन आप स्टोर को यह कह सकते हैं भाई आप फालतू के ऑर्डर्स मत दीजिए आपको मैंने यह कहा है एक महीने में एक ऑर्डर तो ये तो गलत था ही उसको सुधारो और साथ ही साथ उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाओ कि आप वही ऑर्डर देंगे जो आपको लगता है ठीक है ऐसा ना हो कंपनी आपसे बहुत कम ऑर्डर एक्सेप्ट करती है तो कम ऑर्डर एक्सेप्ट करती है तो ज़्यादा होल्डिंग करने के चक्कर में आ जाओ कि कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी हमको तो सामान अपने पास रखने से रिलेटेड है कंपनी का स्टोर है हम जब चाहे कंपनी को वापस कर दे अरे भैया वो हेडेक कौन लेगा वो कंपनी का तो लॉस है अगर आप भाई स्टोर का क्या जा रहा है स्टोर मैनेजर तो अपना कैलकुलेशन करके कंपनी को सौंप देगा इतनी सेल होगी नहीं हुई तो स्टोर थोड़ी जिम्मेदार है उसके लिए उसके लिए तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसको डिस्काउंट पर सेल करना पड़ेगा आउटडेटेड होने पर और आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं आप मोबाइल फोन टैबलेट्स और गजेट्स की बात कर रहे हैं डे बाई डे उसमें चेंजेस आ आ रहे हैं, ने -ने आ रहे हैं, हैं। नए नए सिस्टम्स तो अब आपको समझ में आया काम क्या करना है इन सब चीजों को वो भी समझ में आया और ई कॉमर्स सिस्टम कैसे काम करता है वो भी समझ में आया होगा ये सारी चीजें इसमें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्शन प्लानिंग एडहॉक बेसिस पर हो रहा है कस्टमर की डिमांड से नहीं हो रहा स्टोर की डिमांड पर हो रहा है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 45 दिन बहुत ज़्यादा है और कम ऑन एन एवरेज 15 डेज़ का द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज लॉन्गर हो ही जाएगा ऑर्डर का फुलफिल करना 30 से 40 दिन स्टोर तक वापस पहुंचना सामान का जो उसने ऑर्डर दिया वो भी बहुत ज़्यादा है सेंट्रल वेयर हाउस पर पहुंचाया जा रहा है क्यों भाई डायरेक्ट आप डिलीवरी क्यों नहीं आप स्टोर पर करवा दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिक्विडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंट बाद में जब होर्डिंग हो जा रही है आउटडेटेड हो रहा है तो आप उसको लिक्विडेट कर रहे हैं सामान को डिस्काउंट प्राइस पर वो तो नुकसान दे ही इधर है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दी और सॉल्यूशन भी बता दिया देखिए एक कहावत कही जाती है मैनेजमेंट में कि अच्छे मैनेजर की यह खास बात होती है मैं कहीं पढ़ नहीं रहा <laughs> अच्छे मैनेजर की यह खास बात होती है कि वो एक गिरती हुई कंपनी को भी ऊपर चढ़ा देगा और किसी मैनेजर की यह खास बात होती है कि ऊपर चढ़े हुए कंपनी को नीचे गिरा देगा ठीक है ना अर्श से फर्श पर फर्श से अर्श तक पहुंचाने की सिस्टम केवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है द रेस्ट इज विद यू ये केस समझ में आया होगा नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने अपने फिर आएंगे एक नए केस स्टडी के साथ तब के लिए टाटा एंड बाय बाय थैंक यू